बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चावलों की एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी, एक बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी टिप। ख्वातीन अगर दिन में अपने लिए घर में 5 से 10 मिनट निकाल लें डेली की रूटीन में, तो पार्लर जाए बगैर ही घर में बनाए गए वाइटनिंग मास्क और क्रीम से अपनी जिल्द को सेहतमंद और चमकदार गोरा कर सकती हैं। क्योंकि जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें चावल का इस्तेमाल होगा और इससे आपके चेहरे और हाथों का रंग साफ होने लगेगा और स्किन भी रोशन हो जाएगी। आपने इसके लिए 1 कप चावल लेने हैं। इसको अच्छी तरह धो लें और साफ़ पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसको किसी भी प्लेट में निकालें और धूप में खुश्क कर लें। इसको खुश्क होने में और पाउडर की शक्ल अख्तियार करने में कम अज़ कम 1 दिन लगेगा। जब यह खुश्क हो जाए तो इसको दोबारा ग्राइंडर करें, फिर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। फिर इसको किसी भी प्लेट में निकालें और धूप में खुश्क कर लें। इसको खुश्क होने में और पाउडर की शक्ल अख्तियार करने में 1 दिन ज़रूर लग जाएगा। जब ये दोबारा से खुश्क हो जाए तो इसको दोबारा आपने ग्राइंड करना है। तो लीजिए, आपका चावल का पाउडर तैयार हो गया है। अब आपने चावल की क्रीम कैसे बनानी है। चावल का पाउडर आपने लेना है 1 चम्मच। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करना है और इन दोनों को मिक्स कर लें। इसको दिन में 1 बार लगाएं और 1 घंटे बाद चेहरा धो लें। अगर आपकी जिल्द ड्राई है तो आप इस क्रीम में बादाम भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए बादाम बहुत अच्छा होता है। यह आपकी क्रीम को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और आपका चेहरा निखर जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, केमिकल से पाक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।